हमारे साथ अश्विनी चौबे जी हैं। सर, आपने आज केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में पदभार ग्रहण कर लिया, क्या प्राथमिकताएं होंगी सर? हमारी एक ही प्राथमिकता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास पूरे देशवासियों को दिया है और जो भी जिम्मेवारी हम लोगों के कंधे पर दिया है, इस जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए और उनके आदेश का पालन करते हुए, उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने पिछले बार भी नेक काम किए हैं और देश प्रगति के पथ पर है। हर मंत्रालय ने बहुत ही अच्छे काम किए। मुझे जो स्वास्थ्य की जिम्मेवारी दी गई थी उसमें भी उनके मार्गदर्शन में बेहतर काम हुए हैं देश भर में कोरोना के इस वैश्विक महामारी में। और आज जब पर्यावरण और साथ साथ जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में पदभार ग्रहण किया और तुरंत बाद अभी यहाँ जो हमारे उपभोक्ता और खाद्य आपूर्ति विभाग, उपभोक्ता संरक्षण, यहाँ मैं आया हूँ, यहाँ भी पदभार ग्रहण हुआ, तो निश्चित रूप से ये दोनों ही मंत्रालय वहाँ पौधे लगा करके, वृक्षारोपण करके, और मैंने वृक्ष नारायण की पूजा करके यह संकल्प लिया है कि ये संपूर्ण देश पर्यावरण का संतुलन कैसे हो। हमारे पास जो हमारे साथ जो चुनौतियाँ हैं जलवायु परिवर्तन का पूरे विश्व के लिए, हम उसमें भी खड़े उतरेंगे और जन जन में जो यह प्रकृति और पर्यावरण के बीच संतुलन है, इसको संतुलित कर संतुलन बैठाते हुए जो खाद्य सामग्री का पूरे गरीबों में, जन जन में कोई भूखा ना रहे, कोई नंगा ना रहे, यही संकल्प हमारे लिए। देश में कोई भी भूखा नंगा ना रहे, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है और इसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो संकल्प था, दरिद्र नारायण की पूजा ही असली पूजा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो संकल्प लिया था और आज हम उस पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते और देश के एक सेवक होने के नाते, हम बिना किसी भेदभाव से और जनता की सेवा करूंगा, मेरा विश्वास। सर, जैसे इस मंत्रालय में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त अनाज मिलना है, नवंबर तक तो सब गरीब को मुफ्त अनाज मिल रही है, तो आपकी प्राथमिकता होगी? 81 करोड़ लोगों को पिछले बार भी आपने देखा, प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना के तहत उन्हें अगले 9 महीने तक अन्न देने का काम किया और इस बार भी उन गरीबों को भोजन राशन 5 किलो चावल या गेहूं, 1 किलो दाल, ये घर घर में पहुंचाने का काम किया है। और हम सब लोगों को इसको आगे भी नवंबर तक ये हर गरीबों के घर में, कोई कोरोना के वैश्विक महामारी में भूखा ना रहे, इसकी चिंता पूरी जनता ने किया है। प्रधानमंत्री जी का यही आग्रह भी है और उसको हम पूरा करेंगे। एक आखिरी सवाल, वन नेशन वन राशन कार्ड बहुत महत्वपूर्ण योजना है, 32 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही है, जिससे प्रवासी आबादी अपना लाभ ले रहे हैं, 4 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों तक लागू है, तो इसको पूरा देश भर में लागू कराने की जिम्मेदारी होगी आप? निश्चित रूप से हम तो सभी राज्य सरकारों से आग्रह करेंगे कि वन नेशन वन राशन जो है, ये प्रधानमंत्री जी ने पूरे दुनिया में ये करके दिखाया है और जो जहाँ भी रहेगा निश्चित रूप से उसका लाभ मिलता रहेगा, ये आवश्यक है, वन नेशन वन राशन। तो ये तो हमारे साथ बातचीत करता है अश्विनी चौबे, दिल्ली से ईटीवी भारत, बिहार के लिए मैं शशांक कुमार।